और एज यूजुअल जेरुशा की नाक की पेस सेट करती हूं फाइनली शुक्र है सब मिलके तस्वीर लेते हैं कहां पे गए थे वैसे सब सही में देखते हैं उई मो अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे आज मौसम माशाल्लाह इतना प्यारा है क्योंकि डेली बारिश हो जाती है अभी भी देखे काले बादल जो सबसे ज्यादा प्यारा उस दिन था जिस दिन हम स्कूल में थे और बारिश हुई तो हमें छुट्टी भी हो गई थी अभी हम बनाने लगे थे कुछ मैं कहती है कि मामा कुछ चीज बनाते हैं पता है जब बारिश हो रहा तो दिल करता है कि किचन में जाए कुछ ना कोई ना डिश जो है ना वो ट्राई करे मैंने तो पकौड़ों का कहा था हाँ पकौड़ों का रुशा ने कहा था तो मैंने कहा बना लो मेरी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर है छोड़ा भी रोल है अच्छा तो हमने अभी डिसाइड किया कि हम कुछ मीठा बनाते हैं मीठा इस खुशी में बनाते हैं कि ज़ाहिर काफ़ी दिनों से एक ड्रामा जो है वो चला हुआ था अब उस ड्रामे की एंडिंग हो गई है तो बहरहाल हम इस खुशी में ना मीठा बनाते हैं ड्रामा क्या था मैं उस पर कोई बात नहीं करना चाहती जिस दिन हम गाड़ी धुलवाते हैं उसी दिन बारिश भी हो जिस दिन हमने गाड़ी की सर्विस करवानी है हम गाड़ी की सर्विस करवाते हैं उसी वक्त उसी दिन बारिश होती है फिर मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ आप ना करवाया करें हमें ना सूट ही नहीं करती है 200-400 रुपया जाए जाता है हमने मैंगो ट्राइफल बनाना है इतना आसान है कि आप लोग घर में बना सकते हैं तो पहले भी सारे हर्षा बंदा घर चू ही बनाते हैं रुशा नहीं मतलब वो ज्यादा आसान है मीठे अम्मी ने भेजा है जी बीफ पुलाव मैं पहले ये खाऊंगी तो फिर मेरा ख्याल है मैं आप लोगों के साथ ना रेसिपी जो है वो शेयर करती हूँ पांडे शाडे तोड़ा लेन मैं क्या एक बार ये ना बन जाए तो तब धोएंगे अच्छा मुझे समझ नहीं आती हमजा को फीडर छोड़े हुए भी ना पता नहीं कितने साल हो गए हैं मेरा ख्याल है हमजा 3 साल का था जब इसने फीडर आई थिंक छोड़ दिया था ये पीछे जी ड्रामा देखा जा रहा है इग्नोर मारे ये देखो हम जाके देखे प्लेट्स अच्छा ये बड़ी अच्छी लगी थी उम्र है ये खाने की बार्बी के ग्लास पड़े थे हाँ बार्बी के ग्लास ये देखो ये हमजा का लाइन फर्क बना रही है बेटे और बेटी में फर्क माँ ने आज बेटे और बेटी बेटियों में फर्क बना दिया ये जुलम रह गया था हमारी तरफ से अरुषा जैसे ही किचन में आती जाए ना तो मेरा जो बीपी होता है ना वो लो हो जाता है अच्छा अरुषा इसके पहले इंग्रेडिएंट्स बताने हैं या क्या करने हैं पहले काम करने में वो बताने जी जी काम बताएं आप आप लोगों ने ना अभी तो हम साथ क्योंकि आपको पता है कि पहले हमने कस्टर्ड बनाना इसके लिए पहले हम जो है ना वो मिल्क ऐड कर देंगे इसके अंदर ओहो जिनको कस्टर्ड बनाना नहीं आता वो आ जाए रुषा से आके सीख लें क्योंकि रुषा को भी जाहिर नहीं आता हाँ मम्मा मैंने 3 दफा बनाया ओहो अच्छा अच्छा असल में ना वो मैंने कभी कस्टर्ड खाया नहीं है ना इसलिए मुझे पता ही नहीं है रुषा के तुम्हें आता है कि नहीं आता किसके अंडर खाने का डिपार्टमेंट पड़ी होती है मतलब आपने रेगुलर पहले कस्टर्ड बना लेना है मैंगो कस्टर्ड ले लेके मेहरबानी अगर आप आ जाए तो वी डोंट नीड एनी रिव्यू फ्रॉम यू मैं पास करूंगी तो ये रेसिपी अपलोड होगी धांधली करते हुए क्योंकि शायद दूध बहुत ज्यादा खालिस हो गलती से और चूल्हा मेरा ख्याल है रुषा ने बंद कर दिया अच्छा चल रहा है आप लोग ने इसको फुल पीस ले रखना ताकि इसमें बॉईल आ जाए अब हम जो है इसके अंदर 5 टेबल स्पून जो है वो मैंगो कस्टर्ड के ऐड करेंगे वेरी गुड ये वन अच्छा आपने 2 से 3 डब्बे जो है ना वो कैंडी बिस्किट के ले लेने हैं 3 डब्बे पे क्या लगा हुआ 4 5 दैट्स ग्रेट आपने इसे अच्छी तरह मिक्स कर जब तक रुषा जो है वो कस्टर्ड बना रही है छोटा सा क्लिप मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था एक बहुत ही यूजफुल है आपने इसे स्किप बिल्कुल नहीं करना वो पहले जाके देख लें काफी ज्यादा लोगों के मुझे कमेंट्स आते हैं कि आप ही हमारे बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं तो हमें अच्छी सी कोई हेयर केयर बता दें बाल गिरने की क्या रीजन होती है कई लोग कहते हैं कि आप ही हमारे बाल बिल्कुल लंबे नहीं हो रहे हमें बहुत ज्यादा बाल लंबे करने हैं बाल जो है वो टाइम से पहले ग्रे हो रहे हैं या फिर नीचे से बिल्कुल इस तरह पतले हो गए हैं वो धूम सी निकल आई है या फिर झाड़ू नुमा हो गए हैं बहुत ज़्यादा फ्रिजी बाल हो गए हैं और इस तरह के हमें मसाइल हैं या फिर गिर बहुत ज़्यादा रहे हैं बहुत पतले बाल हैं तो उसके लिए आप लोग क्या करते हो तो आप लोग जो है वो प्रॉपर मसाज नहीं कर रहे ऑयलिंग नहीं यानी कि कर रहे उसके बाद आप स्ट्रेटनर बहुत ज़्यादा शायद यूज़ कर रहे हैं नींद कम ले रहे हैं डाइट आप बैलेंस नहीं ले रहे और उसके बाद एंड पे आप अच्छी हेयर केयर नहीं यूज कर रहे तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 3 प्रोडक्ट्स हैं एक शैम्पू है एक कंडीशनर है और साथ में एक हेयर ऑयल है अच्छा ये जो हेयर ऑयल है इसका मैं आपको बता दूं कि ये 50 हेयर ऑयल के साथ मिला के बनाया गया है चेतन प्योर का कॉकटेल हेयर ऑयल ठीक है इस तरह की प्लास्टिक पैकिंग में आपको मिल जाएगा अगर आप 50 ऑयल लेंगे ना तो कितने हजारों के जाके बनेंगे और ये मेरा ख्याल है 1500 से 1600 का ये वाला हेयर ऑयल है वर्ल्ड बेस्ट अगर आप मुझसे पूछे ना कि ये हेयर ऑयल है मैं जिस दिन मैं बाल स्ट्रेट करती हूँ ना उससे अगले दिन मैं अपने बालों में तेल लगा के उन्हें एक दिन के लिए छोड़ देती हूँ उससे अगले दिन मैं ऑर्गेनिक शैम्पू के साथ जो है अपने बाल जो है वो शैम्पू कर लेती हूँ जिस तरह ये ऑर्गेनिक शैम्पू है ठीक है
अगर आपके एरिया का पानी बहुत ज़्यादा ख़राब है जैसे कि हमारा एरिया का है तो उसके लिए ये जो शैम्पू है ये बहुत बेस्ट है। एक तो हेयर फॉल को रोकता है, बालों को सिल्की और शाइनी बनाता है और साथ सबसे बढ़ के ऑर्गेनिक है, सल्फेट फ्री है। और ये कंडीशनर है गार्लिक कंडीशनर, ठीक है, इसका मैं आपको बता दूँ कि कोई इसमें गार्लिक की स्मेल नहीं होती, अच्छी खासी क्वान्टिटी है, एक बंदे के लिए तकरीबन 1 से 1.5 महीना ये बहुत है, बेस्ट हेयर मास्क है, ठीक है। आपके बालों को इस तरह रिस्टोर करता है कि आपके एक तो हेयर फॉल को भी रोकता है, जितने आपके बालों के मसाइल हैं उसके लिए बहुत बेस्ट है, और जिनके बाल टाइम से पहले ग्रे हो रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है। अभी मैंने ये कॉकटेल हेयर ऑयल लगाया हुआ है, लेकिन अब मेरे ज़ाहिर डेली व्लॉग के अंदर आप लोग मेरे बाल माशाल्लाह देख रहे होते हैं कि मैं कितना स्ट्रेट करती हूँ, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाल जो है वो कितने चमकदार हैं। और साथ में बस प्रॉपर जो है वो नींद लिया करें और अच्छी हेल्दी डाइट लिया करें। हमारा सूट भी येलो है और कस्टर्ड भी येलो। अच्छा, आप लोगों ने एक प्लेट में ऐसे सारे बिस्किट निकाल के रख दिए। पता है मैंगो ट्राइफल्स की बहुत ज्यादा आपको रेसिपी यूट्यूब पे मिल जाएगी, लेकिन सबसे ज्यादा इजी है आप लोगों का जब दिल करे स्पेशली स्टूडेंट्स का वो संडे का संडे बना ले आप। एक डब्बा बचा के रखते हैं ना, क्या पता बच जाए, कल दी चाय नाल काम आ जाएगा। कैंडी बिस्किट तो खाने से पहले चाय में डूब जाते हैं। चौरनी विच जी एक डब्बे में तो एक एक है। अच्छा, तो बहुत सारे हैं, फिर ये एक ना खोलना भी मजीद, ये तीन ही बहुत है। अभी हम इसके अंदर साथ ऐड करते जाएंगे और साथ हम इसको मिक्स करते जाएंगे। वाह जी वाह। अच्छा, ये ना वैसे टूटी फिटी मम्मी हमारी घर में मलाइका। अब मलाइका आपको कस्टर्ड बनाना आता है? हाँ। अच्छा, मलाइका कस्टर्ड में क्या क्या डालते हैं? दूध, चीनी, कस्टर्ड। वाह, बस गाढ़ा होने तक आपने इसे पकाने और फिर ठंडा होने के लिए रख देना है। बड़ी गल है जी, कस्टर्ड हो गया। हम कैंडी बिस्किट को क्रश करेंगे। क्या करेंगे? क्रश। क्रश किसके साथ? डंडे के साथ, वो जो दोरी वाला डंडा होता है उसी के साथ कर लेते हैं। चलो, ये तुम इस तरह क्रश करोगी? जी। अच्छा, इसे मैंने कहा कि जिप लॉक वो उधर पड़ा हुआ था अलमारी में, कहती मुझे अब अंदर जाना पड़ेगा, ये दराज से मैं लेती हूँ और इसी के साथ मैं कर लेती हूँ। चलो, ये हमारा कदीम दोड़ी डंडा, आराम आराम से करना, शापर ही ना फट जाए। अस्तग़फिरुल्लाह, इतने जोर से नहीं मारना, इतने में तो शापर फट जाएगा। अच्छा जी, बिस्किटों की भी कुटा कुटाई हो गई है, बिस्किटों का चूरा जो है वो बन गया है, कस्टर्ड ठंडा होने के लिए रख दिया और अब रुशा अलग कर रही है आम। तो आपको कहा कि आप छोड़ दे, मैं धो देती हूँ। हाँ जी, तुम इतनी धोने वाली होती ना, तुम इतने बर्तन बनाने ही ना देती। चलो मैं ही धो लेती हूँ। थैंक यू। अभी आप क्या कह रही थी? अभी मम्मा बर्तन धो के बैठी है और मैंने सारा मैंगो काटा, मैंने सारी रेसिपी बनाई है और आपकी मलाइका कह रही है आप इतना सुस्त क्यों कर रही हैं। हमने भी कस्टर्ड ठंडा होने का जी बड़ी वैसे मलाइका कोई हो तुम ना, इसे शर्म आई है कि बर्तन धुला दे, ना इसे शर्म आई है कि रेसिपी बनवा। खाते हुए तो तुम्हें कभी तुम्हें पढ़ाई का ख्याल नहीं। अच्छा, जब काम होना ये कहेगी मेरा टेस्ट है, मैंने पढ़ना है, उधर भाग जाती है। जब खाने का टाइम होता है कभी हमें आवाज नहीं देनी पड़ी, खुद भाग के आती है। इस तरह अंदाजा होता है कि अब खाना बन गया, भूख पे लोग। हेलो। हाँ जी, अब जो है हमने अपने सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे कर लिए और अब हम बनाना शुरू करेंगे। पहले हमने एक कप में पहले एक मैंगो की थोड़ी सी लेयर लगानी है। मैंगो की नहीं, कस्टर्ड की। अच्छा, जम गया नीचे से, फ्रीजर में रखा था जी। वो मामा और अरुषा म्यूजिक सुनने बैठ गए थे। थोड़ी सी बिल्कुल, इनको मैंने उठा दिया टीवी से कि आप बेटे उठे ऊपर तरस खा लें टीवी के ऊपर। अब जो है हम कैंडी बिस्किट की उसके ऊपर लेयर लगाएंगे। देखने में तो काफी मजे का लग रहा है। आपने ना इसके ऊपर से ऐसे प्रेस भी करना है। अभी सालों पर डाल लें एक दफा, ठीक है। नहीं लग रहा मुझे तो, लग रहा इसको। अब जो हमें इसके ऊपर लास्ट लेयर कस्टर्ड की लगा देंगे। इनको भी ठंडा करना है? हाँ जी, इसको थोड़ी देर 10 to 15 minutes आपने फ्रिज में रखना। कोई भी मेहमान आए तो आप इस तरह बना सकते हैं। जी जी, बिल्कुल अच्छा। वैसे ये जरा मॉडर्न भी लगती है और खर्चा भी जरा कम होता है। खर्चा कम है इस पर, क्योंकि तकरीबन सारी चीज़ें ही घर में होती हैं। और एज यूजुअल जी अरुषा की नाक की बेस सेट कर, शुक्र है। अपने पेस मामा उस टाइम की लगा रही है, ऐसे पकड़ के खाते हैं या इसे ऐसे खुद भी घर में ट्राई कर सकते हैं। मेरी वीडियो बंद करें, जाके देखें, जाके सॉरी रेसिपी बनानी शुरू करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नासरा की रेसिपी देख रहे हैं।
मैं कह रहा हूँ आपने एक ब्लॉगिंग शुरू करनी है और मेरा मुझे बहुत शौक है ब्लॉगिंग करने का, अब मैंने करना है। मुझे लग रहा था तुम्हें ब्लॉगिंग का शौक है ना, ये अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये हमजा की आई है। अरे ये मक्खियाँ क्यों इतनी अंदर आई हुई है, ये हमजा की आई है। अम्मा ये इतनी मेहनत से बनाया है। अच्छा ये हमें एक पीआर रिसीव हुआ है जिस पेज ने भेजा है, आप लोग जाके उनके साथ इंस्टा के ऊपर पूछ सकते हैं। रमजा आपको पसंद आई है अपनी बुक? बहुत आई है। अच्छा आपने अपने व्लॉग, अपने व्लॉग बनाना है तो अपने चैनल का क्या नाम रखना है? वो बेरन बिन अगली चेंज करनी है। नहीं आपके हमजा मलिक को नहीं, हमजा मलिक को नहीं, माँ कक्की जानी तू इतना बल्ला होगी बिल्लू में। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कोई भी गेस्ट आए तो फटाफट से खाने के साथ आप इस तरह का मीठा बना लें, बहुत ही मजे का बन जाता है। और जो मैंने प्रोडक्ट्स यूज की थी उसका मैं लिंक लगा दूंगी, और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो 10 रास्ता लिखने और आपको 10% जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।